हेलो टीरेक्स, क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हें खाना नहीं मिलने वाला है, डायरेक्ट शाम को ही तुम्हें खाना मिलेगा। सो हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। टीरेक्स को तो आज खाना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं एक दिन वीक में एक सुबह का जो मील होता है वो स्किप करता हूँ। उसका सुबह नहीं देता, मैं शाम को देता हूँ, तो इसीलिए आज शाम को ही उसे खाना मिलेगा। और वो राह देख रहा है मेरी, तुम्हें कब खाना दे। देखिए, ये होता है उसका इशारा कि मुझे खाना दो, लेकिन ये उसी के हेल्थ के लिए है। तो थोड़े तो चेंजेस रहने चाहिए इनके डाइट में और खाने में। टाइम ऊपर नीचे थोड़ा तो कभी कभार होना चाहिए, कभी कभी तो आपको फास्टिंग भी देना चाहिए। तो मैं फास्टिंग नहीं देता हूँ, तो कभी कभी मैं सुबह नहीं फीड करता, सो उसको शाम को फीड करता हूँ। तो देखते हैं हमारे टर्टल्स। ओ भाई शिट मैन, ये पानी क्या है इतना सारा? वो भी ओके। सो गाइस, मैं डर ही गया था, क्योंकि मैंने कल पानी भर दिया था इसका, और थोड़ा ओवरफ्लो हो गया था पानी, तो उसकी वजह से जितना भी पानी ओवरफ्लो हुआ होगा वो पानी अभी धीरे धीरे निकल रहा है। तो मैं एकदम से डर गया कि इसमें लीकेज तो नहीं है, क्योंकि मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैंने इसमें पानी भर दिया है और ये पानी मुझे देखने मिला। तो मुझे डर लगा इससे कि क्या टर्टल्स ने इस लाइनर को पंक्चर तो नहीं किया, लेकिन नहीं, वैसे नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये डिजास्टर हो सकता है हमारे लिए। ये देखिए हमारी सिमरन और हमारे दोनों टर्टल्स। तो अभी सिमरन भी सीख रही है खाना मांगने के लिए, तो देखिए अभी वो भी भागे, तो वो भी आती है खाना मांगने, और हमारे टर्टल्स भी आते हैं। तो उसको पता चल रहा है अभी धीरे धीरे वो इस एनवायरनमेंट में, नए एनवायरनमेंट में सेट हो रही है, तो उसको भी आदत हो गई है अभी, और वो भी धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाएगी, और भी फ्रेंडली हो जाएगी। एक दिन आएगा कि हम उसे हैंड से हैंड फीडिंग करेंगे, तो वो करेंगे ही करेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल मैंने पानी भरा है इसमें, और बहुत लेट हो चुका था इसीलिए मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी था काम से और मुझे इसको भरना भी था। और छोटा सा एक क्लिप मैंने ऐड किया था कि मैंने पानी भरा है इसमें। तो ये देखिए, इसमें छोटे छोटे बेबीज आपको दिख रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो वाह यार, कितने क्यूट दिख रहे हैं, कितने छोटे छोटे बेबीज है यार, बहुत छोटे छोटे बेबीज है। और जैसे ही कोई फिश या कोई टर्टल आता है उनके पास में, तो ये पूरा चिपक जाते हैं। देखिए मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इतने छोटे छोटे बेबीज है यार। आ गए, भाग गए, ये टर्टल नजदीक आया ना, वो देखिए कितने छोटे छोटे। और जैसे कुछ नजदीक आता है वो इसके नीचे जाते हैं या फिर उसके क्रैक्स में बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए फिश भी आते हैं तो उड़ते हैं। तो बहुत ही ज्यादा क्यूट क्यूट बेबीज है इसके अंदर। और जैसे मैंने बताया था कि हमें इसमें कलर ऐड करना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसमें नए फिश लाने के लिए। तो जल्द ही हम नए फिश भी इसके अंदर ऐड करेंगे और मोली फिशेज लाएंगे, ताकि कलर ऐड हो और हमारे टर्टल्स के लिए वैरायटी भी मिले उनको फीड करने के लिए। और पॉन्ड जितना बड़ा है अपना, तो आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, अगर आप नए व्यूअर होंगे तो आपको पता नहीं होगा। तो ये है हमारा 8 फीट डायमीटर का पॉन्ड है, ये 8 या 6 फीट का है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया है मेरे पास ऐसे 8 फीट का भी पॉन्ड है और 6 फीट का भी है, तो मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है कि कितने फीट का है, शायद ये 8 फीट का ही होगा, तो ये 8 फीट का ही समझ के चलेंगे। और ये है मेरे टर्टल्स, ये है बास्किंग एरिया, ये है वाटरफॉल। और आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा और उसी के ऊपर क्लिक करके आपने ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नए व्यूवर्स हो तो। इसीलिए मैंने आपको एक व्यू दिया मेरे पॉन्ड का। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री पॉन्ड फिल्टर कैसे बनाना है, और मेरा फिल्ट्रेशन इसके ऊपर कैसे काम करता है। हालांकि मेरा जो फिल्टर है, जो मोटर है, वो खराब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो कल आने वाला है, तो कल के वीडियो में आपको देखने मिलेगा ही। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इनिशियली मैं आपको पूरा चीज, सारी चीज दिखा देता हूँ कि मेरा फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्री कहेंगे तो एक ही चीज आती है, सोलर। ये देखिए, ये है सोलर पैनल, मेरा 50 वाट का सोलर पैनल है, और नीचे बैटरीज है, मैंने 2 बैटरीज ली थी, ये एक बाइक की है, मुझे 100 100 रुपीज़ में मिली थी, हाँ 100 में ही मिली थी, 100 या 200 में मिली थी, कुछ इतना याद नहीं, लेकिन सेकंड हैंड है, लेकिन ये कुछ काम की नहीं है। तो मैंने ये सोलर बैटरी मंगवाई है, ये देखिए ये सोलर बैटरी है 12x7 एम्पियर की, 7.5 एम्पियर है, तो ये मंगवाई है मैंने, जो कि बहुत अच्छे से काम करती है। और अभी फिलहाल फिल्ट्रेशन चालू नहीं है, तो ये देखिए ये मीटर होता है, इसके ऊपर आपकी फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए सोलर से चार्जिंग जा रही है, और अभी कोई लोड लिया नहीं है,
तो ये बैटरी से लोड मैं डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करके चालू कर सकता हूँ। तो कल के वीडियो में हम वही देखेंगे, लेकिन ये है एक इनिशियल आइडिया आपको कि मेरा फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक बिल नहीं देना पड़ता है इसकी वजह से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे लिए, और ये जो पॉन्ड आप क्लियर देख रहे हो ये इसी के कारण है, क्योंकि इतना क्लियर पॉन्ड आपने पहले नहीं देखा होगा। तो ये देखिए इतना क्लियर पॉन्ड है, नीचे जितना भी कचरा है, पत्तियां गिरी है, फिशेज है, हमारे टर्टल्स जाते हैं, एल्गी है, ये सारी चीजें इसमें दिखती है, क्योंकि हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। और अप्रोक्सीमेटली अगर आप 8 घंटे भी या 10 घंटे भी पकड़ो, क्योंकि 6-7 बजे तो सूरज निकल आता है तब से ये चालू हो जाता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। बैटरी चार्ज होने के बाद हमारा जो फिल्टर है वो चालू होता है, वो डीसी मोटर पे चलता है, और डीसी मोटर चालू होने के बाद हमारा फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने बनाया है, ये मैंने खुद ने बनाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी यहाँ से जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ नजदीक से, यहाँ पे पाइप है और यहाँ से निकला है, वो जाता है हमारे फिल्टर में। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस सैंड है, आप देख सकते हो, ये है कंस्ट्रक्शन सैंड, ये इसे क्रश सैंड कहते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे क्या कहते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये क्रश सैंड है। ये बड़े जैसे मीडियम साइज के स्टोन्स है, ग्रेविल है, जो कि जिसमें से ये पानी फिल्टर होके यहाँ से इस पाइप से यहाँ आता है, और यहाँ से ये वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता है। तो ये पानी फिल्टर होके जो सरफेस एरिया है उसको भी हीट करता रहता है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बढ़ती है और हमारे फिशेस को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो इससे बहुत ही फायदे हैं, मैंने ग्रेविटी का यूज़ किया है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा कारगर साबित भी हुआ है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव फिल्टर है, जिससे कि आप रिजल्ट देख ही सकते हो। सॉरी अभी बहुत ग्लेयर है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझे पता नहीं कि कितना प्रॉपर आ रहा है ये वीडियो, लेकिन आप नीचे का पत्ता भी देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये अराउंड 1 वीक से बंद है गाइस, क्योंकि मेरा जो मोटर है वो भी दिखाता हूँ आपको कि कौन सी मोटर है। तो ये रही वो मोटर, ये डीसी मोटर है, ये देखिए ये डीसी मोटर है, जो कि पर मिनट के हिसाब से 10 लीटर के हिसाब से ये फिल्टर करती रहती है। और ये सब लोड और ये सब, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, तो ये सिंपल मैं यूज़ करता हूँ हमारे फिल्ट्रेशन के लिए। और ये इतना पावरफुल है कि ये कुछ 5 मीटर तक, 5 मीटर हाइट तक मैक्सिमम हाइट, देखिए यहाँ पे एच मैक्सिमम हाइट 5 मीटर तक ये खींचता है, तो हमारा ये हार्डली 4-4.5 फीट का है, तो ये आराम से खींचता है, 1.5 मीटर पकड़ के चलिए, 1.5 मीटर है, तो ये 1.5 मीटर आराम से यहाँ पे पानी प्रेशर से भेजता है और फिल्टर होके हमारा पानी वापस पॉन्ड में आता है। तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है गाइस, और मैंने इसमें कुछ प्लांट्स भी लगाए हैं, ये है एलिफेंट ईयर और बाम्बू का है, और इसमें जितने भी जंगली पौधे उग रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, क्योंकि ये मेरी हेल्प ही करेंगे, इसमें से अमोनिया निकालने का काम ही करेंगे, तो मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे वो बढ़ सकते हैं। तो ये है मेरा पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है और ट्रायल और टेस्टेड है, तो आप भी इसको आराम से लगा सकते हैं। तो गाइज आपको मैं कभी भी कोई गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, तो ये मैंने ट्रायल किया है, टेस्ट किया है, उसी के बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी ये लगा सकते हो। आप एक बड़ा वायर लेके आपके घर में भी वो वायर लेके जाके आपकी जो टैंक्स है उसमें भी लगा सकते हो, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन शुरुआत में आपको इसका खर्चा आएगा, बैटरी का जो कन्वर्टर है उसका आएगा और सोलर है उसका आएगा, लेकिन वो वन टाइम होगा। आप मल्टीपल छोटे छोटे डिवाइस अगर 24 आवर्स भी उसके ऊपर रन करोगे तो आपको लोड शेडिंग का या फिर पावर कट का ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा, और आपको आपके फिशेस को हेल्दी ही देखने को मिलेंगे। आपके फिशेस तो इससे हेल्दी ही रहेंगे, उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, अच्छे से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, और वो हेल्दी भी रहेंगे, जिससे कि आपका टैंक भी क्लियर रहेगा, आपके फिशेस भी हेल्दी रहेंगे, और आपका जो काम है वो भी बचेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये रहा मेरा कुछ टैंक सेटअप, ऐसे दिख रहा है। तो आई होप आपको मेरी जो आइडिया है वो पसंद आई होगी, और मुझे नहीं लगता है कि अब तक ये किसी ने अप्लाई किया है, मैंने तो अब तक कहीं पे भी वीडियोस नहीं देखे, इंडिया में तो स्पेशली नहीं देखे, और ये डेडिकेटेड जो सेटअप है, ये जो सेटअप है वो स्पेशली मैंने बस पॉन्ड के लिए ही बनाया है। अब मैं इसके ऊपर अलग अलग बैटरीज लगा के अलग अलग ज़्यादातर मोटर्स लगा सकता हूँ, तो बहुत सारे प्लान्स हैं, तो उसके ऊपर बनाएंगे।
सो मेक श्योर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और बढ़िया आइडियाज आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वापस एक ओवरव्यू और पैनल भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये रहा पैनल, बहुत ही छोटा है, सिंपल है, कॉम्पैक्ट है, बस आपको धूप में रखना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।